शपथ लेने के बाद दिनेश प्रताप सिंह आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे पहुँचे हैं। दिनेश जी, अरे दिनेश जी, क्या सर शपथ ले लिया है आज आपने, किस तरह का कार्य? निश्चित तौर से हम लोग मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगेंगे, बस इतना ही हम लोगों का कार्य होगा, मैं समझता हूँ। प्रणाम जी। जी, धन्यवाद। जी, किस तरह का होगा मुख्यमंत्री? समय थोड़ा भीड़ ज्यादा है। जी, नहीं बता सकते हैं आप, रायबरेली जैसे जिले से हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी है आप। बिल्कुल। थैंक यू सर, किस तरह से मजबूत करेंगे भाजपा को? बिल्कुल, रायबरेली में भाजपा आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत थी, चिंता न करिए। सर क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं रायबरेली के लोगों के लिए? रायबरेली मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। तो ये थे दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली से एमएलसी हैं और कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और आज इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।